लोग सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास के पास आ गए हैं, तंगलंगला पास 17582। अब हम लोग तंगलंगला पास क्रॉस करके जा रहे हैं ले। यहाँ से ले है नियर अबाउट 110 किलोमीटर। गूगल बोल रहा है 2.5 घंटे लगेंगे। अब देखिए हमें और कितना समय लगता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल की वजह से मे भी 3 घंटे लग सकता है। और हमें जाना है डीसी ऑफिस जहाँ पे स्टैम्पिंग होगी। ये देखिए पूरा, क्योंकि अभी हम लोग सेकंड हाईएस्ट पास के पास से गुजर रहे हैं। मे बी वो थर्ड हाईएस्ट पास हो सकता है अब, क्योंकि फर्स्ट उमलिंगला हो गया है, सेकंड खारदुंगला हो गया है, तो तीसरा अब तंगलंगला हो चुका है। खारदुंगला 6 हो गया। कैसे वर्ल्ड नहीं बोल रहा हूं, इंडिया का बोल रहा हूं। ये देखो क्या शॉट्स है, तलवारें नजदीक नजदीक वाली सब तोड़ लेते हैं ना, ऊपर ऊपर वाली नहीं तोड़ पाते हैं। हा, अब इसका क्या यूज होगा बाद में बताएंगे। ये देखिए कि वो ट्रक कैसे पलटा होगा और पलट के वो कैसे गिरा रहा है। अभी हम लोग लेह जो है यहाँ से नियर अबाउट 90 किलोमीटर है। हम लोग थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि देव भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है फिर से, तो अब वो थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ की रोड जो है वो इतनी जिगजैक है कि किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है। कल मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी शाम को, पता नहीं मे भी शायद ठंड लग गई हो। ले पहुंचते ही हम लोग डाइजीन ले लेंगे, पर डाइजीन की गोली लेंगे जिसे आप क्या करते रहेंगे, चूसते रहेंगे भाई साहब, अच्छे से चूसना ताकि आपके वो मतलब घुल के पेट में चली जाए वो, ठीक है। गलत सलत मत समझो, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं। मैं सब समझ लो। कल जब हम लोग निकले हैं दारचा से, दारचा के बाद एयरटेल के नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और अभी हम लोग पहुंचे हैं जूनू के पास। जूनू जगह में है, या आपसे मैं कहूं तो रुमसे के आगे एयरटेल के कनेक्शन अब जाके शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद मुझे एयरटेल का नेटवर्क मिला है। थोड़ी देर की खुशी थी यार, फिर से एयरटेल का नेटवर्क गायब हो गए। अभी हम लोग उपसी पहुंचे भी नहीं है, नेटवर्क फिर से गायब हो गए। अब देखते हैं नेटवर्क आएंगे जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर हम समय से पहुंच जाएंगे ले। अभी परेशान है, हमारे भी नेटवर्क नहीं आ रहे, जियो के लिए परेशान हो गए हैं। इन लोगों ने जियो दो दो जियो टावर वाले को पैसे दे के आए थे, और हमारे साहब को मैंने चेक भी काटा 250 रुपए का, जिन्होंने कैश भी करा लिया, उसके बाद भी नेटवर्क नहीं भेज रही। उसे सीधे अम्बानी साहब को चेक दिया मैंने, तो देखते हैं आगे आते हैं तो कह रहे रिफंड करेंगे आपके पैसे। मैंने जाओ गरीब रख लो, अब यहाँ से जाके ये रिफंड करवाएंगे अपने चेक को। Thank you.
जाते हैं टूवर्ड्स मनाली की तरफ, तो मनाली से इस तरफ से आते हैं और पेंगोंग लेक जाने के लिए आप लोगों को इधर का रूट पकड़ना होता है। अभी हम लोग इस टाइम पे करू में हैं, तो करू से यहाँ से हमें सीधे जाना है टूवर्ड्स लेक की तरफ। यहाँ से अप्रॉक्स 35 किलोमीटर है ले। करू में बेसिकली थोड़ा सा और आगे जाके ही पेट्रोल पंप मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे जाने पे। तो ये शे पैलेस के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। ये देखिए पूरा ये शे पैलेस है, ऐसे पहाड़ों में यहाँ पे ये शे पैलेस बसा हुआ है। यहाँ से छोड़ देना चाहिए इतना प्यारा। सब ले पूरा पेड़ पौधे आ गए ना, आने दो पेड़ पौधे, तो आएंगे तो वही तो डिफरेंट। अभी पीछे हमें एक जगह पे डाइवर्ट कर दिया गया, और डाइवर्ट कर देने के बाद हमें और भी अच्छे नज़ारे मिले हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि लोगों ने कूड़ा ज़रूर ज़्यादा फेंका हुआ है। अगर आप दोनों साइड में देखें तो कूड़ा बहुत ज़्यादा है फेंका हुआ है यहाँ पे, बट डाइवर्जन मिला है तो भी जाना तो से ले परमिट बनवाया, अपने डीएम ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आप ऑनलाइन भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बनाया, ये आंटी बनाती है। चाटे चाटे मारते बल्क में घुस लेता हूँ, उससे ज्यादा अभी गाड़ी में परमिट बनाने आए हैं अपना, ये लगे हुए हैं बनाने के लिए, इसके चक्कर में लेट करवाए। ये एक और है, इससे भी आईफोन टूटने वाला है। बाइक तो ले लिया है यहाँ से, ले परमिट दे भाई ने यहाँ से और मैंने, और चल रहे हैं अब गाड़ी की ओर। ये भी दे भाई मेरे साथ चल रहे हैं परमिट लेने के बाद। कोई बात ना, ये तो गिरते रहते चलते रहते। परमिट ले लिया है और अमित भाई हमारे ड्राइवर साहब हमारी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, हमारे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग नहीं है। हमने उन्हें दे दिया, देखो हमारा पास ही रहा हमारे हाथ में, और हम कल ट्रैवल करेंगे यहाँ से। आज सोच रहे हैं यहाँ रेस्ट कर लें, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, यहाँ भी अच्छी हैं चीज़ें देखने के लिए। मार्केट घूमेंगे शाम को आराम से। आप सोच रहे हैं पहले कोई होटल सर्च कर ले। ये देखिए आप, यहाँ लोग पैदल चलते हैं खाली, यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं चलता है। जब मैं यहाँ पहले आता यहाँ पर ट्रैफिक चलता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पार्किंग हुआ करती थी, यहाँ पर पार्किंग हुआ करती है। अभी इन्होंने बहुत अच्छे से बना दिया, अब यहाँ पर ट्रैफिक जम भी नहीं लगता है और बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। देखो कितने अच्छे से यहाँ पर, यहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छे से वर्क किया है।
ये हमारा रूम है, ये हमारे बैग्स हैं, ये हमारे शूज हैं, ये लैपटॉप बैग है। और अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ के बाहर का व्यू। ये रूम, ये होटल कुछ ऐसे लगता है। यहाँ पे ये इनका ये छोटा सा एक रिसेप्शन है जहाँ पे व्यवस्था बैठने बैठने की वालों की है। और एंट्री करते हुए देखिए मधुबाला जी की फ़ोटो लगाए हुए हैं। और यहाँ से ये हमारा रूम है। हम लोगों ने इस होटल में रहने का सोचा है। और होटल में रहने के साथ साथ मैं चलिए आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ। पहले तो मैंने अपना बैग वैग ले जा कर रख दिया था, बट मैं अब आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ। ये हमारा रूम है, ये सारी चीज़ें। ये हमारे मनीष भाई हैं, हाय। वो देव भाई बैठ गए हैं वहाँ पे जाके। ये इतना बड़ा खिड़की है। यहाँ पे एक सरप्लस बेड और लगेगा। इधर अलमीरा है, ये शीशा है हम लोगों के तैयार होने के लिए। ये वॉशरूम था। अब खिड़की से बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छी जगह है, अच्छा होटल है। और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत है। ये हम लोगों के खिड़की से बाहर का व्यू है। ये हमारे होटल का बाहर का व्यू आप लोग देखिए कितने बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और इधर खड़ी है हमारी गाड़ी और पूरी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें हैं। होटल भी बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों को जो मैंने अभी आप लोगों को रूम दिखाया है, हम लोगों को वो 1800 में पड़ा है, बहुत ही बेस्ट प्राइस में। अभी रूम में पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद लाइट थोड़ी देर में आएगी। भाई साहब लेटे हुए हैं और हम अब जा रहे हैं डाटा ट्रांसफ़र करने। हम लोग गए थे डीसी ऑफिस, बट डीसी ऑफिस बंद था। तो किसी ने बोला कि आपको नज़दीक कैफ़े में भी आप ये कर सकते हैं, जो हमें 600 पर मेंबर का लगा है, 5 डेज़ का परमिट है। तो हमने वो बनवा लिया है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अब कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस होटल को ज़रूर याद रखिएगा।